सुपर पोजिशन ऑफ वेव इस टॉपिक पर हम लोग बात करते आ रहे थे, और प्रीवियस जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने सुपर पोजिशन की अलग अलग कंडीशंस को डिस्कस किया। सुपर पोजिशन क्या होता है इसे समझने की कोशिश की, और मैंने आपको एक डेरिवेशन बताया जिसमें हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूँ, आगे बढ़ूँ, कुछ एक हल्का फुल्का सा मैं रिवीजन यहाँ पे करता हूँ कि जब वेव्स का सुपर पोजिशन होता है तो हम उसे दो तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। एक जो उसका अप्रोच होता है जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन, जिसमें हमारा मानना ये होगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड्स जो हैं या रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है ये बढ़ जाती है। जिसे लॉजिकली समझना चाहते हो तो आप ऐसे कह सकते हो कि जब क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट आ जाता है और ट्रफ ओवर ट्रफ आ जाता है, यानी कि क्रेस्ट पर क्रेस्ट का सुपरपोजिशन हो और ट्रफ का ट्रफ पे, तो फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी में इंक्रीज होता है। अब ये कंडीशन उस वक्त हो सकती हैं जब सुपरपोजिशन होते वक्त दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंसेस या तो जीरो हो जाएं या 2 पाई हो जाएं या 4 पाई हो जाएं या 6 पाई, और इसी तरीके से ये आगे बढ़े, जिसे हम चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं एन टाइम्स ऑफ 2 पाई, वेयर द वैल्यूज ऑफ एल विन एन विल टेक 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इन्हीं चीजों को हम चाहें तो पाथ डिफरेंस के जरिए भी समझा सकते हैं लैम्डा के ऑर्डर में। जब पाथ डिफरेंस जीरो हो जाता है या लैम्डा हो जाता है, 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या इसी तरीके का सीक्वेंस जिसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है एन लैम्डा, जिसमें एन का वैल्यू हम क्लेम करेंगे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इन सभी पाथ डिफरेंसेस पे हम ये देखेंगे कि देर विल बी अ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज मिलता है, एनहेंसमेंट मिलता है, एडिशन मिलता है। Am I correct? सेकेंड सुपरपोजिशन होते वक्त हम एक और कंडीशन एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जिसमें सुपरपोजिंग वेव्स इस तरीके से मिलती हैं कि उनके दरमियान कैंसिलेशन हो जाते हैं, उनके दरमियान रिडक्शन ऑफ इंटेंसिटी रिडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, या आप कह सकते हो कि सप्रेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से होने वाले सुपरपोजिशन को हम कॉल करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और स्पेसिफिक कंडीशंस अगर हम इसकी क्लेम करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये उस वक्त अकर होगा जब सुपरपोजिंग वेव्स के बीच में फेज का डिफरेंस होता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई या इसी तरीके से आगे, जिसे सिंप्लीफाई ऐसे किया जा सकता है 2n-1 पाई, वेर द वैल्यू ऑफ एन विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, सो ऑन। ठीक, द सेम थिंग कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड कंसिडरिंग द पाथ डिफरेंस। कुछ ऐसे पाथ डिफरेंसेस जिन पर हमें डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलेगा, यानी कि कैंसिलेशन मिलेंगे, सप्रेशन मिलेगा, डार्क मिलेगा, इंटेंसिटी का रिडक्शन मिलेगा, तो ये हो सकते हैं पाथ डिफरेंसेस ऑफ λ/2, 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2 एंड सो ऑन, सच दैट कि हम चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2n-1λ/2, या हम चाहें तो ऐसे भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं n-1/2λ, जिसमें वैल्यू ऑफ n हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन। ठीक, इन पाथ डिफरेंसेस पे हम ये देखेंगे कि देर विल बी अ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब एक बड़ी मजेदार बात इसमें यह भी होती है कि लगातार वेव्स को कंटिन्यूअस तरीके से अगर सुपरपोज कराया जाए तो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिसमें अल्टरनेट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशंस होने लगते हैं, और ये होने भी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, जीरो के बाद अगला जो फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव क्रिएट करेगा वो कितना है? 2 पाई पाई।
लेकिन 0 और 2 पाई के बीच में क्या आता है? पाई। मतलब पहली बार जब हमें ज्यादा एम्पलीट्यूड मिलेगा और अगली बार फिर हमें जब ज्यादा एम्पलीट्यूड मिलेगा कंस्ट्रक्टिव होने पर, तो इन दोनों के बीच में क्या डेवलप होगा? डिस्ट्रक्टिव पाई, यानी कि क्या डेवलप होगा? डिस्ट्रक्टिव। तो सुपरपोजिशन सोचिए, 0 पर क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव पाई पर क्या हुआ? टू डिस्ट्रक्टिव पाई पर क्या हुआ? थ्री कंस्ट्रक्टिव पाई पर क्या हुआ? फोर डिस्ट्रक्टिव पाई पर क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव तो क्या आप ये चीज फील कर पा रहे हैं कि ये अल्टरनेट हो सकता है? अगर कंस्ट्रक्टिव हुआ तो अगला कंस्ट्रक्टिव आने से पहले बीच में एक बार डिस्ट्रक्टिव आ जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा तो फिर एक बार एम्पलीट्यूड बढ़ने से पहले बीच में एक बार एम्पलीट्यूड कम भी हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार हमें ज्यादा इंटेंसिटी मिली कंस्ट्रक्टिव के हिसाब से, तो अगली बार फिर हमें ज्यादा इंटेंसिटी मिलने से पहले एक बार डार्क यानी कि कम इंटेंसिटी भी हमको मिलेगी। तो हम ये देख सकते हैं कि ये फेज डिफरेंसेस या पाथ डिफरेंसेस कुछ इस तरीके से कॉन्फिगर होते हैं कि दे मे कम अल्टरनेट टू ईच अदर। ये एक दूसरे को अल्टरनेट कर सकते हैं कि एक बार कंस्ट्रक्टिव हुआ, फिर एक बार डिस्ट्रक्टिव, फिर एक बार कंस्ट्रक्टिव, फिर एक बार डिस्ट्रक्टिव। मैं इस चीज को आपको फिर एक बार एक्सप्लेन कर सकता हूं विथ रेफरेंस ऑफ पाथ डिफरेंस। अब जरा सोचिए, लैम्बडा सॉरी 0 पर मुझे क्या मिलेगा? 0 पाथ डिफरेंस पर हमें क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव। तो लैम्बडा पर फिर हमें क्या मिलेगा? लैम्बडा पर क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव। लेकिन सोचिए, 0 और लैम्बडा के बीच में एक पाथ डिफरेंस आ सकता है लैम्बडा बाई टू, आधा लैम्बडा, हाफ अ लैम्बडा। कंस्ट्रक्टिव उस लैम्बडा बाई टू पर हमें क्या मिल रहा है? डिस्ट्रक्टिव। लैम्बडा के बाद अगली बार हमें फिर एक बार कंस्ट्रक्टिव कब मिलेगा? उपाय टू लैम्बडा पर, लैम्बडास की ऑर्डर में अगर मैं बोलूं तो अगली बार हमें कब मिलेगा? टू लैम्बडा। लेकिन सोचिए, लैम्बडा और टू लैम्बडा के बीच में आता है 1.5 लैम्बडा। 1.5 लैम्बडा का मतलब होता है 3/2 लैम्बडा। तो हमें यहाँ एक सीक्वेंस मिलने के चांसेस हो सकते हैं। इन चीजों को हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इन अ चैप्टर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। मैं यहाँ जस्ट एक इंट्रोडक्टरी ग्लिम्स आपके सामने रख रहा हूं, बस एक कंडीशन आपके सामने रख रहा हूं कि अगर हमने इस सुपर पोजिशन को बहुत ही ढंग से कराया, बहुत ही अच्छे तरीके से कराया, बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से कराया, तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, ऐसे अल्टरनेट कंडीशन हमें ऑब्जर्व हो सकते हैं। क्या आपको बात अच्छे से समझ में आई? हमें यस सर क्या करना है कि इन पाथ डिफरेंसेस और फेज डिफरेंस को अच्छे से अपने दिमाग में रखना है कि ये कंस्ट्रक्टिव कब होंगे, यानी कि इन सभी चीजों को कहा जा सकता है इन फेज सिचुएशन, इन फेज एक जैसा, हर बार आपको कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कंडीशन मिली। इन सबको कहा जा सकता है आउट ऑफ फेज सिचुएशन। ठीक है, देखिए अलग अलग नाम है, मैं इसे कंस्ट्रक्टिव कह सकता हूं, एनहेंसमेंट कह सकता हूं, ब्राइट कह सकता हूं, वेक्टोरियल टर्मिनोलॉजीज में एडिशन कह सकता हूं, या मैं इसको फेज की टर्मिनोलॉजी में इन फेज कह सकता हूं। डिस्ट्रक्टिव को मैं डिस्ट्रक्टिव कह सकता हूं, कैंसिलेशन कह सकता हूं, सप्रेशन कह सकता हूं, वेक्टर टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से बोलूंगा तो माइनस कर रहे हैं ये कह सकता हूं, डार्क कह सकता हूं, या फेज की टर्मिनोलॉजी में मैं कह सकता हूं इसको आउट ऑफ फेज। यस ठीक है, जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो हम इनको इस अलग अलग नामों से कॉल करते हैं। अब आपको रिलेट करने आना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। अब कल के डिस्कशन में हमने ये भी देखा कि जब वेव्स का ओवरलैपिंग पूरी तरीके से हो जाता है तो इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डेवलप होता है आपको याद होगा, वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है अंडर रूट में, यस, A1 एम्पलीट्यूड ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए वन कॉस cos थीटा ऑफ, शायद मैंने फाई लिखा था। अब वो फाई कुछ भी हो, आप थीटा लिखो या फाई लिखो, यहाँ पे हमें ये समझ लेना चाहिए कि फाई कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, दोनों वेव्स का फेज का डिफरेंस है, दूसरी कोई और चीज नहीं है बस। अब आज के इस लेक्चर में हम कुछ और इसकी डिटेलिंग करेंगे,
इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटीज एंड एम्पलीट्यूड, इसकी और डिटेलिंग करने वाले हैं कि भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम कैसे लिखें। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो आ गया, आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी की अलग अलग तरीके क्या हो सकती हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें कब मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी हमें कब मिलेगी एंड सो ऑन। इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करते वक्त हमको बस एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि किसी भी वेव के लिए उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। बस ये फंडामेंटल बात याद रखिए, बिल्कुल बेसिक बात, ये चीज हमने 11th की भी क्लास में सीखा है वेव्स इस चैप्टर को कवर करते वक्त, कि किसी भी टाइप की वेव हो उस वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो मिल चुका, जरा सोचिए कि अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखना चाहते हैं तो क्या हम उसे रिलेट कर सकते हैं एज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, बिल्कुल इस फॉर्मूले के हिसाब से? यस सर, इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं तो इंटेंसिटी हमें मिलेगी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके। तो अगर मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखना है कि दो वेव सुपर इम्पोज हो गए, अब दोनों के मिलने के बाद रिजल्टेंट में टोटल में कितनी इंटेंसिटी हमें मिली है, तो उसको फाइंड आउट करने का सबसे इजीएस्ट अप्रोच ये होगा कि जो भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमको मिला है हम उसका स्क्वायर करें इस इक्वेशन को करते हुए। अब बच्चों जरा सोचिए कि अगर हम इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को लिखना शुरू करें तो सिंपली हम इसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और हमको मिलेगा ए1 का स्क्वायर प्लस ए2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए1 ए2 +5। बिल्कुल सिंपल बात, बिल्कुल लॉजिकल बात, बट मैं इसे दो एस्पेक्ट्स में समझना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ तो इन सभी सिचुएशंस में मुझे फाई के वैल्यूज मिलते हैं 0, 2 पाई, 4 पाई और ऐसे ही, और इन वैल्यूज के लिए अगर मैंने कॉस फाई की वैल्यू निकाली तो वो आती है 1। समझना चाहिए, कॉस 0 देखूंगा तो 1 आ जाएगा, कॉस 2 पाई देखूंगा तो वो भी 1 होगा, कॉस 4 पाई देखूंगा तो भी 1 होगा, कॉस 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई, जितने भी पाई, 30 पाई, 40 पाई, जहां तक भी आप जाओ वो सब वैल्यूज तो बनी होती है। मतलब इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को अगर मैं कंस्ट्रक्टिव कंडीशन के लिए लिखता हूं तो बेटा मैं इसको कॉल करूंगा आई मैक्सिमम। अब जरा सोचो मैं मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं उसे, यस अंदाजा लगाइए कि मैं उसे मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं। मैं उसे मैक्सिमम इसलिए बोल रहा हूं कंस्ट्रक्टिव कंडीशन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में हमें ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, तो इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी का नाम मैंने रखा आईमैक्स। ऑफ कोर्स ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है लेकिन इस बार इसे खास नाम से कॉल किया गया आईमैक्स। अब ऊपर की इक्वेशन को आप कैरी करें, इस इक्वेशन को आप कैरी करें और मुझे बताइए कि मुझे क्या लिखना चाहिए। तो हमें समझ में आता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है, इट्स नथिंग बट अ काइंड ऑफ ओपनिंग ऑफ दिस ब्रैकेट। यस, तो दोनों एम्पलीट्यूड्स का एडिशन करें, उसका स्क्वायर करें, आपको आई मैक्स वैल्यू मिल जाएगी। बट नाउ सपोज इफ वी शिफ्ट टू अ सेकेंड कंडीशन जिसमें हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की, जहां पर हमारा क्लेम ये है कि फेज के डिफरेंसेस पाई, थ्री पाई, 5 पाई, 7 पाई और 9 पाई और इस तरीके से ही आगे आते हैं, सच दैट के इन सभी कंडीशंस के लिए अगर मैं कॉस फाई की वैल्यू निकालता हूं तो वो आती है -1 आती है, समझिए बात को, -1 कॉस 180 पाई, -1 3 पाई, -1 5 पाई, -1। तो इस बार मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी को नाम दूंगा आई मिनिमम। बात को समझिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम इस बार क्या नाम देंगे, आई मिनिमम। आई मिनिमम,
और हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी वाली इक्वेशन को हम अगर रीराइट करें, दोबारा लिखें, तो हम इसे कैसे लिखें? तो आंसर होगा वन का ये स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू टाइम्स ऑफ ए वन ए टू, बिकॉज कॉस ऑफ फाइव विल टेक अ वैल्यू ऑफ माइनस वन, तो ये माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज. सच दैट के इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आई मिनिमम इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू ब्रैकेट स्क्वायर. क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई? सो ऐसे आई मैक्स आ जाएगा, ऐसे आई मीन आ जाएगा, इन ए जनरल टर्मिनोलॉजीज. अब अगर हमारे फेज की वैल्यू या फेज डिफरेंस की वैल्यू एग्जैक्टली इन टर्म्स पर नहीं है, एग्जैक्टली ऐसी नहीं है, तो फिर हम जो भी रिस्पेक्टिव फेज है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, वॉट एवर द फेज डिफरेंस कम्स ऑन दैट बेसिस, यहां पे हम फाइव का वैल्यू रखेंगे और फिर रिस्पेक्टिव रिजल्टेंट इंटेंसिटी को एस्टिमेट करेंगे. क्या मेरी बात आपको समझ आ गई? Yes, अब यहां मैं एक और बात आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात. आप सोचें कि हम ये कहते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम अगर आई वन लिखना चाहते हैं तो बेटा ये हो जाएगा ए वन के साथ प्रोपोर्शनल, और अगर हम आई टू लिखना चाहते हैं, सेकंड सोर्स की इंटेंसिटी को लिखना चाहते हैं, जो सेकंड वेव है उसकी इंटेंसिटी को लिखना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? ए टू स्क्वायर, टू का स्क्वायर, विच सिंपली इंडिकेट्स के आई वन प्रोपोर्शनल ए वन अंडर रूट में, एंड रूट ऑफ आई टू प्रोपोर्शनल ए टू. क्या मैंने सही लिखा? Yes. अब इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो ये आईमैक्स की रिलेशन कैसे लिखी जाएगी? ध्यान लगाइए, ये आईमैक्स की रिलेशन लिखी जाएगी रूट ऑफ आई वन प्लस आई टू एंड देन ब्रैकेट स्क्वायर, और ये आई मिन की रिलेशन लिखी जाएगी अंडर रूट में आई वन माइनस अंडर रूट ऑफ आई टू एंड देन ब्रैकेट स्क्वायर. क्या आपको ये मैनिपुलेशन समझ आ गया? Yes. अब यहां मैं इसे और डिटेल में ले जाना चाहता हूं, और अलग तरीके से मैं इसे कॉन्फिगर करना चाहता हूं, या कह लीजिए कि अरेंज करना चाहता हूं. वी हैव अ वेरी सिंप्लीफाइड रिलेशन, आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव. बात को समझिए, क्या इसी चीज को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं? सोचिए. सेम चीज. यस, दिमाग लगाइए आप. देखिए, ए वन का स्क्वायर है तो आई वन आएगा, लेकिन अगर सिर्फ ए वन है तो रूट में आई वन आएगा. तो यहां सिर्फ ए वन के लिए रूट में आई वन आया, यहां ए टू के लिए रूट में आई टू आया, तो इन दोनों को मिला के हमने कॉमन सा सिंगल सा रूट बना दिया. ठीक है, अब मैं एक डेरिवेशन पैरेलली यहां पे चलाने की कोशिश करता हूं. आई होप आप सभी बहुत केयरफुली इस बात को समझेंगे. इफ वी यूज अ कंडीशन जिसमें हमने ये बोला कि ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए, विच मीन्स के जो दो सोर्सेस मेरे पास हैं, उन दोनों सोर्सेस के इंडिविजुअल जो एम्पलीट्यूड हैं वो इक्वल है. ऐसा हो सकता है ना कि हम बिल्कुल आइडेंटिकल वेव्स ले लें और दोनों को सुपर इम्पोज करा दें? सच कंडीशन. अगर ऐसा हुआ तो आप सोच समझ के बताइए कि यहां पर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी को कैसे लिखूंगा. क्या मुझे ऐसे लिखना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए ए, यानी कि फिर एक बार ए स्क्वायर कॉस ऑफ फाइव. करेक्ट है? यस. सच दैट के दिस रिजल्टेंट इक्वेशन विल नाउ लुक लाइक टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर कॉस ऑफ फाइव. इसमें से मैं टू ए स्क्वायर फैक्टर कॉमन लेता हूं, मिलता है वन प्लस कॉस ऑफ फाइव. अब थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री रिकॉल करिए और बताइए वन प्लस कॉस ऑफ फाइव क्या होगा? टू कॉस स्क्वायर टू फाइव बाई टू. वेरी गुड, टू टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू. अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है. तो इसे बच्चों अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिली फोर ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, बट ये इस कंडीशन के साथ है कि दोनों एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है, हर बार ये एप्लीकेबल नहीं होगा, और ईच केस हम इसे एप्लीकेबल नहीं करा सकते, याद रखिए। क्लियर है बात? Yes, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सिचुएशन को समझते हैं। जैसी कंडीशन बच्चों हमने यहां लगाई, अगर वैसी ही कंडीशन मैं यहां लगाता हूं ऑन द अदर साइड, कि इफ आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई, विच मीन्स आई वॉन्ट टू से कि जो दोनों सोर्सेस वेव्स हैं, जो दोनों वेव्स हैं जिनका सुपरपोजिशन होने वाला है, जिन सोर्सेस से वो निकल रही हैं वेव्स, उनकी इंटेंसिटी सेम है, देन रीड एन इक्वेशन फॉर मी, क्या लिखना चाहिए हमें? रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई प्लस आई प्लस टू टाइम्स ऑफ आई, यानी कि आई स्क्वायर कॉस फाइव। अगर मैं ठीक से इसको रीड कर पाया तो मैं ऐसे लिखूंगा आई प्लस आई टू आई प्लस, ये आगे का आई स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ये भी आई हो गया कॉस फाइव, टू आई फैक्टर बच्चों मैंने कॉमन लिया, इक्वेशन मिली वन प्लस कॉस फाइव, और फिर एक बार हम जानते हैं कि वन प्लस कॉस फाइव क्या होगा, अब एक स्टूडेंट को यहाँ एक बात देखते ही समझ में आएगी, इधर आई तो इधर ए का स्क्वायर, और ये वैलिड पॉइंट है क्योंकि क्योंकि हमने अभी अभी यहाँ कहीं लिखा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हटा के हमने यहाँ आई लिखा, दैट्स इट। बट फिर मैं कह दूं कि ये जो हमने छोटा सा सॉल्यूशन यहाँ बनाया है, ये कंप्लीटली इस कंडीशन पर वैलिड करता है जिसमें हमें दोनों सोर्सेस से या दोनों वेव से मिलने वाली इंटेंसिटीज जो है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। अगर इंटेंसिटी सेम नहीं है तो वी मे वर्कआउट विद लाइक दिस, ऐसे काम करेंगे, इस तरीके से काम होगा, या इस तरीके से काम होगा इन जनरल। बात समझ आई? यस यस। अब एक चीज और समझते हैं, इफ सपोज वी गो फॉर अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में चले गए तो फाइ का वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो या टू पाई या फोर पाई या सिक्स पाई या एट पाई, चलिए जीरो रखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ जीरो रखा, जीरो बाई जीरो क्या हो जाएगा, जीरो कॉस स्क्वायर जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, वन। अगर कॉस जीरो वन हुआ तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको कितनी मिलेगी, फोर आई। मतलब किसी भी तरीके के सुपर पोजिशन में जो ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी हमको मिल सकती है वो फोर टाइम्स ऑफ इट्स इंडिविजुअल सोर्स इंटेंसिटी होगी, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और मान ले कि डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ तो सबसे पहला फेज डिफरेंस क्या आ सकता है डिस्ट्रक्टिव कंडीशन में, पाई। जस्ट इमेजिन करिए यहां आपने पाई रखा, पाई बाई टू, यानी कि क्या हो गया, 90 कॉस 90 कितना होगा, जीरो। कॉस की पूरी वैल्यू जीरो में कन्वर्ट हो गई इंटू फोर आई, क्या आंसर आया, जीरो। जीरो, तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर मैं मिनिमम इंटेंसिटी की बात करता हूं तो मुझे कम से कम कितनी इंटेंसिटी मिल सकती है, जीरो। जीरो, तो किसी भी सुपरपोजिशन में जो रेंज ऑफ इंटेंसिटीज हो सकता है एकदम लोएस्ट, कम से कम कितनी हो सकती है, जीरो। जीरो, अब इसको ब्राइटनेस की टर्मिनोलॉजी में हम बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे डार्क है, बिल्कुल लाइट एकदम चली गई, ब्राइट नहीं है, जीरो इंटेंसिटी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन हो गया इस तरीके से कि पूरी पूरी कैंसल हो गई, तो इसे हम डार्क कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कैंसलेशन, सेपरेशन, माइनस, निगेट करना, आउट ऑफ फेज। और किसी भी सुपरपोजिशन में ज्यादा से ज्यादा जो इंटेंसिटी हमको मिल सकती है, दो वेव्स कंबाइन कर दिया आपने तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आपको मिल सकती है अगर आइडेंटिकल हमने इंटेंसिटीज का इस्तेमाल किया तो वो कितनी होगी, फोर आई। ये कंडीशंस उसी वक्त वैलिड हैं जब
याद रखिए ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये कब एप्लीकेबल होंगे, जब हमारे दोनों सोर्सेस की इंडिविजुअल इंटेंसिटीज कैसी हैं, सेम है, या दोनों सोर्सेस की इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स जो हैं वो सेम है, दोनों वेव्स सेम एम्पलीट्यूड रखते हैं या कह लीजिए दोनों वेव्स सेम इंटेंसिटी रखते हैं, तब ये बात वैलिड होगी। अदरवाइज तो हमको बाकायदा इन फॉर्मुलीज का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या तो ये फॉर्मूला उठा ले या ये वाला ये वाला ये वाला अकॉर्डिंगली। अब एक और चीज इसमें बड़ी काम की है सर, एग्जामिनेशन में एक फैक्टर पूछा जाता है कि भाई बताएं आईमैक्स और आईमिन का रेशियो कितना है, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना है। चलिए आप अपना दिमाग चलाइए, बताइए क्या हो सकता है आईमैक्स और आईमिन का रेशियो। इनफिनिट। यहां आप गलती कर गए, ये आपने गलती की। अब आपने यहां इनफाइनाइट जो बोला है वो इस बेसिस पर बोला कि मिनिमम इंटेंसिटी जीरो है, मैक्सिमम इंटेंसिटी फोर आई है। अब मिनिमम जीरो और न्यूमरेटर में कुछ भी आए और न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय जीरो कर दूंगा मैं, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो कर दूंगा, तब तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। इस हिसाब से तुमने इनफाइनाइट बोला, लेकिन आप मेरी एक बात भूल गए कि ये जीरो होना या फोर होना ये किन कंडीशन में है। सब इक्वल सेम रहते हैं। तो मैंने तो बोला ही नहीं इस प्रॉब्लम को डिजाइन करते वक्त या इस पर बात करते वक्त क्या मैंने ये कहा कि वो इक्वल है, नहीं। तो हमें जनरलाइज फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब आप थोड़ा सा पीछे जाइए, अगर आपने नोट्स देखे हैं अपने राइटिंग वर्क आप कर रहे हो, चलिए मैं आपके लिए थोड़ा पीछे चला जाता हूं। तो हमें आईमैक्स की जो वैल्यू मिल रही है ना वो ये मिल रही है A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर, या अगर आप चाहें तो इसे इंटेंसिटी की टर्मिनोलॉजी में भी लिख सकते हैं। और आई मीन की जो वैल्यू हमें मिल रही है ना वो ये मिल रही है A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर, और आप इंटेंसिटी की टर्मिनोलॉजी में से ये लिख सकते हैं। तो अब इन बातों को ध्यान में रखकर सोच कर बताइए कि आईमैक्स बाय आईमिन का रेशियो हमें क्या क्लेम करना चाहिए। A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर, ऐसे क्लेम करना चाहिए। अब इस चीज में मैं थोड़े से वेरिएशन लाना चाहता हूं। कंसीडर करें कि हम लोग एक रेशियो एस्टिमेट करते हैं R, एक रेशियो हम यहां डिफाइन करते हैं A1 बाई A2। इस चीज को एक खास नाम दे देते हैं, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो, इसे एक नाम दे देते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो। मैं एक बड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो क्या हमारी रिलेशन आईमैक्स बाय आईमिन थोड़ी सी अल्टर की जा सकती है, थोड़ी सी चेंज की जा सकती है? जी हाँ बिल्कुल, उसे हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आईमैक्स अपॉन आईमिन इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखना, यहां मैंने लिखा A1 बाय A2 माइनस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 बाय A2 सॉरी प्लस 1 यहां माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब सोचिए मैंने यहां पे क्या किया, थिंक ऑन इट, सोचिए इस पर मैंने क्या किया। क्या मैंने न्यूमरेटर के फैक्टर को A2 से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर के फैक्टर को भी मैंने चुपचाप A2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं A2 से डिवाइड करूंगा तो ये वाला टर्म A1 जो है ना ये हो जाएगा A1 बाई A2, और यहां A2 बाई A2 1 हो जाएगा, कैंसिलेशन। यहां भी मैंने किया A1 बाई A2 और ये A2 बाई A2 कैंसिलेशन के बाद 1 हो गया, तो माइनस के साथ आया क्योंकि यहां माइनस है। तो मैंने सिंपली यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को A2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन ऐसा करने से मुझे एक बेनिफिट मिला, और वो बेनिफिट क्या है? R प्लस यस, हमें एक बहुत ही यूजफुल रिलेशन मिलती है, आईमैक्स बाय आईमिन इज इक्वल टू R प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, बड़ा यूजफुल रिलेशन हमको मिलता है, ये बहुत काम का है। अब इसका यूजफुलनेस या इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपके सामने रखता हूं। आप लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशंस देखें, आप 2017, 19, 18 ये ईयर्स के आप एग्जामिनेशंस देखेंगे नीट के या जेई के, तो आपको उसमें अक्सर इस तरीके का प्रॉब्लम सेट किया हुआ मिलेगा जिसमें हमें एम्पलीट्यूड रेशियो फाइंड आउट करना है। लेट्स से कि किसी केस में सुपरपोजिशन हुआ
और आई मैक्स बाय आई मिन यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो आपको बताया गया 9:1, एक रैंडम नंबर में ले रहा हूं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फिगर आउट करें कि एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या है और ये भी फिगर आउट करें कि इंटेंसिटी का रेशियो क्या है, दो चीजें बताया। अब अपने आप में ये थोड़ा टफ कैलकुलेशन हो जाता है अगर हम इन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ रेडी नहीं है तो। सोचिए आई मैक्स बे आई मिन को अब हमने कैसे सिंप्लीफाई कर दिया है। यस आर प्लस वन यस यू जस्ट राइट बाय दैट वे आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिन इज इक्वल टू आर प्लस वन दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस वन दी होल स्क्वायर। नाउ यू हैव आई मैक्स बाय आई मिन एज 9:1। लेट्स कंटिन्यू दिस विद आर प्लस वन दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस वन दी होल स्क्वायर। डू अ स्क्वायर रूट ऑफ इट, इस पूरी टर्म का स्क्वायर रूट करिए। जब हम इसका पूरे का स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 का क्या हो गया 3 बाय 1 इज इक्वल टू ये हो गया आर प्लस वन और ये वाला हो गया आर माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3R-3 इज इक्वल टू आर प्लस वन। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए 3R-R इज इक्वल टू 1+3। करेक्ट जा रहे हैं? यस सच दैट के इफ आई कंटिन्यू हियर देन इट विल बिकम सॉरी 2R इफ आई कंटिन्यू हियर देन इट विल बिकम 2R इज इक्वल टू 4 विच मीन्स आर इज इक्वल टू 2/1। बट वॉट इज आर ए वन बाई यस आर इज नथिंग बट इक्वल टू ए वन बाई ए टू। तो यू आर रेडी विथ योर आंसर, काम खत्म, आपका आंसर तैयार हो गया। बट इसमें एक और चीज पूछी है कि इंटेंसिटी का रेशियो कैसे आएगा। तो आप याद करें कि किसी भी गिवन सिचुएशन में जो इंटेंसिटी होती है ना वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, है ना? Yes. तो इसका मतलब हो गया कि I1 by I2 अगर मैं लिखना चाहता हूं तो ये होना चाहिए A1 by A2 का whole bracket square। अब A1 by A2 हमने कितना निकाला था? 2/1। उसका स्क्वायर करें आंसर क्या आया? 4/1। That's it। ऐसे आपका आंसर रेडी। अब ये कैलकुलेशन अपने आप में काफी डिफिकल्ट हो जाता अगर हमारे पास इस तरीके का शॉर्टकट मौजूद नहीं रहता। तो ये चीज जो है हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है टू फाइंड द रेशियोज फॉर इंटेंसिटी एंड एज वेल एज टू फाइंड द रेशियोज फॉर एम्पलीट्यूड। तो ये छोटा सा डिस्कशन रिक्वायर था टू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी कैलकुलेशन इन केस ऑफ सुपरपोजिशन। अब हमारी सिलेबस में एक छोटे से एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा जिक्र किया गया है, थोड़ा सा मतलब उसका डिस्क्रिप्शन हमें बताया गया है, और वो है क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और मजेदार सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या है कि ऐसे दो ट्यूब्स लिए गए हैं, ध्यान से समझना, ऐसे ना दो ट्यूब्स लिए गए हैं। दिस इज वन ऑफ द ट्यूब। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से इसको बना सकूं। ओके ये एक ट्यूब है। अब इस ट्यूब के साथ मिला के, इसके अंदर मिला के बिल्कुल एक और ट्यूब ऐसे फेस टू फेस कुछ सेगमेंट उसका अंदर घुसेड़ के रखा हुआ है। दिखा आपको, समझ में आया? यस ऐसे मिला के रखा हुआ है लेकिन फिक्स नहीं है, ठीक है ना, फिक्स नहीं है। दोनों की जो माउथ है वो एक दूसरे के साथ जोड़ दी गई है लेकिन ये समझ लें कि वो फिक्स नहीं है। हम चाहें रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको ऐसे मूव कर सकते हैं। ये वीडियो में देखिए आपको समझ में आएगा। ये मान लीजिए ऐसे मिला के रखा अंदर, हम चाहें तो ऐसे बाहर खींच सकते हैं, चाहे तो और ऐसे अंदर डाल सकते हैं। तो ये दोनों जो पाइप है इसको और अंदर दबा सकते हैं या चाहे तो हम इसको और ज्यादा बाहर खींच सकते हैं, मतलब इनकी लेंथ को हम छोटा कर सकते हैं या जरूरत पड़ी तो इनकी लेंथ को हम ऐसा और बड़ा कर सकते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? यस। अब इसमें
थोड़ा सा ओपनिंग किया गया, हल्की सी। अब डायग्राम में बहुत ज्यादा करेक्ट तो नहीं बता सकता, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसमें हल्की सी ओपनिंग की गई है, जैसे यहां एक ओपनिंग की और यहां एक ओपनिंग की, तो ये पाइप के माउथ को ऐसे ओपन किया गया इधर और यहां भी ओपन किया गया इधर, लाइक दिस। अब ये जो ओपनिंग है, यहां पर हम किसी सोर्स ऑफ वेव का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी साउंड का सोर्स इन पर्टिकुलर देखा जाए तो साउंड के सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। वेव्स है ना, साउंड भी तो वेव्स ही होती है, तो यहां से हम साउंड की वेव्स को अंदर भेजेंगे, विल सेट इट इनसाइड। और ये जो दूसरी वाली ओपनिंग है, यहां पर हम एक डिटेक्टर लगाएंगे या रिसीवर या कोई भी एक लिसनर अपना कान लगा के वहां पे खड़ा हो जाएगा। तो मैं ऐसे ऐसे कहता हूं कि यहां सोर्स ऑफ साउंड है और यहां क्या है, एक डिटेक्टर है। अब बड़ी मजेदार बात है, अब यहां से बच्चों साउंड अंदर एंटर करता है, ये साउंड ऐसे अंदर एंटर करता है, ठीक है। कुछ भी साउंड हो सकता है, छोटा सा जैसे घड़ी की टिक टिक हो गई, या हल्की सी बीप हो गई, या एक कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल हो गया, ऐसा कुछ भी। तो यहां से ना साउंड एंटर करता है। अब जैसे ही साउंड यहां एंटर करता है, तो वो देखता है कि इसके पास दो अलग अलग पाथ मौजूद हैं डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए। एक पॉसिबल पाथ तो ये हो सकता है, ठीक है, एक जो पॉसिबिलिटी है जिससे ये दूसरे एंड पर जा सकता है वो ये है। तो यहां से हो सकता है साउंड का कुछ हिस्सा सेग्रीगेट होके, सेपरेट होके, ऐसे ऐसे ट्रेवल करके यहां तक आ जाए, करेक्ट है बात। और इसको दूसरा जो ओपनिंग मिला, वो ये दूसरे पाइप में से साउंड निकल के ऐसे 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 थोड़ा सा लंबा चौड़ा घूम के ऐसे 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 ये साउंड हो सकता है कि यहां पे ये दूसरे एंड पे पहुंच जाए, ठीक है। हो सकता है कि ये जो लेंथ साउंड ने ट्रेवल करी है डिटेक्टर तक आने के लिए, ये लेंथ L2 है, और ये वाली जो लेंथ ग्रीन वाले पोर्शन से मैंने आपको बताई, ये लेंथ L1 है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ यहां तक? यस। अब सोचने वाली बात है कि यहां से साउंड निकला, सेपरेट हुआ, यहां आया, और यहां से बचा हुआ सेपरेटेड पार्ट जो है वो पहुंच के यहां तक आया। यहां जब वो डिटेक्टर के पास पहुंचेंगे, तो यहां क्या वो सुपर इंपोज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, फिर एक बार एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, क्या कहते हो? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हिंट समझना यहां जरूरी है कि यहां पर इस डिटेक्टर वाली जगह पर क्या हो रहा है, साउंड वेव्स का क्या हो रहा है यहां पर, सुपर इंपोजिशन हो रहा है, क्योंकि उनको मिलकर ही बाहर आना है। ऐसे नहीं बोलेगा कि ये ग्रीन वाला आ गया, मान लो वो बोलेगा रुक रुक पहले मैं जाता हूं, ऐसा नहीं होगा, दोनों साथ मिलकर ही आएंगे ना। इमेजिन करो यहां से आपने पानी डाला, यहां से आपने पानी डाला, तो पानी का कुछ हिस्सा ऐसे फ्लो करके आया, तो क्या आप बारी बारी से जाएंगे कि मिलकर बाहर आएंगे? सोचे, कंबाइन होके ही आएंगे ना। मतलब ये कि डिटेक्टर वाली जगह पे साउंड वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस तरफ से आने वाले साउंड ने कितना पाथ ट्रेवल किया? L1। और इस तरफ से आने वाले साउंड वेव्स ने कितना पाथ ट्रेवल किया? L2। तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है कि दोनों साउंड के पाथ ट्रेवल्ड में कुछ डिफरेंस है, ये L1 और ये L2, कुछ डिफरेंस है। सोचिए कि अगर मैं ये कहूं कि ये पाथ का डिफरेंस जिसे मैं फिलहाल क्लेम कर रहा हूं L1 माइनस L2, जस्ट मॉडुलस में लगाता हूं मैग्नीट्यूड के हिसाब से, सोचिए अगर मैं ये कहूं कि ये पाथ का डिफरेंस लैम्बडा के बराबर है, वेवलेंथ लैम्बडा के बराबर है, तो यहां किस तरीके का सुपरपोजिशन होगा? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, और डिटेक्टर में मुझे लाउडर एम्पलीट्यूड सुनाई देगा। यस।
क्योंकि अगर वेव्स का कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ तो लाउडर एम्पलीट्यूड आता है, बड़ी आवाज आएगी। यहां सोर्स की आवाज कम होगी लेकिन यहां डिटेक्टर पर आवाज ज्यादा एम्पलीट्यूड की सुनाई देगी, है ना मजेदार बात? Yes. अब सोचिए कि अगर ये वेव्स यहां से निकल करके यहां से निकल करके यहां पहुंच रही है लेकिन इनके पाथ में डिफरेंस आया 3λ/2, सोचिए आ सकता है ना 3λ/2 डिपेंड, ये पाइप की लेंथ में कम ज्यादा करता हूं तो लैम्डा के डिफरेंस को मैं 3λ/2 कर सकता हूं, क्योंकि इसीलिए मैंने इसका एडजस्टेबल मोड में रखा है, जरूरत पड़ी तो मैं इसको कम करूंगा, जरूरत पड़ी तो ज्यादा करूंगा। तो सोचिए कि यहां से पहुंचने वाली वेव यहां पहुंची और यहां से आने वाली वेव जब यहां पहुंची तो इन दोनों में पाथ का डिफरेंस आया 3λ/2। अब बताइए कि डिटेक्टर पर मुझे किस तरीके का सुपरपोजिशन मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन अगर बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ, तो क्या यहां पर पूरा पूरा कैंसिलेशन होकर मुझे जीरो एम्पलीट्यूड मिल सकता है? यस। मतलब मैं यहां से तो साउंड भेज रहा हूं लेकिन डिटेक्टर वाली जगह पर मुझे वो साउंड सुनाई नहीं। तो क्विंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, एक पक्का सबूत है इस बात का कि वेव्स का सुपरपोजिशन होता है और उनके एम्पलीट्यूड्स और उनकी इंटेंसिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पाथ डिफरेंसेस ऑन विच दे आर ट्रेवलिंग। बात आ गई आपको समझ में? यस सर। अब हम चाहें तो इस पाइप की लेंथ को और बढ़ाएं और पाथ डिफरेंस को 3λ की बजाय 2λ कर दें। अगर हमने पाथ डिफरेंस 2λ किया तो बताइए क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। तो क्या फिर एक बार हमें यहां पर लाउडर साउंड सुनाई देगा? यस। अब हम इसे और बढ़ाते हैं और 2λ की बजाय हम पाथ डिफरेंस कर देते हैं 5λ/2। डिस्ट्रक्टिव। 5λ/2 आपको सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद रखना है, 5λ/2। तो किस तरीके का सुपरपोजिशन होगा? डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होने पर मुझे यहां पर आवाज धीमी या फिर बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। Yes. अब सोचिए कि अगर मैं इस पाइप को बस ऐसे लगातार खींचते जाऊं तो मुझे क्या क्या ऑब्जर्व होगा? कम ज्यादा आवाज मिलती जाएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ के मिलेगा घट के मिलेगा, बढ़ के मिलेगा घट के मिलेगा। क्यों? क्योंकि लैमड़ा 3/2 लैमड़ा डिस्ट्रक्टिव, 2λ कंस्ट्रक्टिव, 5λ/2 डिस्ट्रक्टिव, 3λ कंस्ट्रक्टिव, ये अल्टरनेट होते जाएंगे। Yes. तो क्विंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही बढ़िया और सॉलिड प्रूफ है इस बात का कि वेव्स का सुपरपोजिशन कराया जा सकता है। बात क्लियर हुई? Yes, sir. जस्ट टू सिंप्लीफाई हम इसे यहां पर दो कैटेगरीज में क्लेम कर देते हैं। कैटेगरी नंबर वन, अगर L1-L2 का डिफरेंस, पाथ लेंथ का डिफरेंस हमें n लैम्डास के ऑर्डर में मिला तो हमको लाउड एम्पलीट्यूड, लाउड साउंड मिलेगा, यानी कि जस्ट मैं ऐसे एरो से इसे समझा रहा हूं। और अगर यही डिफरेंस L1-L2 का हमको 2n-1 λ/2 की टर्मिनोलॉजीज में मिल गया तो हमें सप्रेस्ड साउंड मिलेगा या हो सकता है कि आवाज आए ही नहीं। डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव। तो ये है पूरी थ्योरी सुपरपोजिशन की। अगर आप मॉड्यूल अभी देख रहे हैं तो आप देखते होंगे कि इसमें मैंने आपको तकरीबन 14 क्वेश्चंस दिए हैं और हर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त है। ओवरलैपिंग की पूरी सिचुएशन पर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिकल इवैल्यूएशन पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जनरल कांसेप्ट पर भी कुछ क्वेश्चन है। आज की इस क्लास में कुछ एक दो कपल ऑफ क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। तैयार हैं? यस सर। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पर ही बात करूंगा मैं और ज्यादा नहीं। यहां पर हमको दो अलग अलग वेव्स की इक्वेशन दी गई हैं, बिल्कुल डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं और अपने हिसाब से ये ट्रैवल कर रही हैं। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज वेव्स एट एक्स इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो फेज डिफरेंस निकालना है बट सर्टन कंडीशन पे। तो ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है। एक काम करते हैं कि ये कंडीशन इन वेव्स में पुट अप कर देते हैं।
तो हमें मिलेगा वाई वन इज इक्वल टू फोर साइन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20 इंटू फाइव माइनस 30 इंटू टू. इफ यू सॉल्व दिस यू विल बी गेटिंग 4 साइन 100 माइनस 60 यानी कि 40. सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करें, y2 इज इक्वल टू 4 साइन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 इंटू 5 माइनस 40 इंटू टू. तो इफ यू सॉल्व दिस यू विल बी गेटिंग 4 साइन 125 माइनस 80 दैट विल बिकम 45. सिंपल बात है, फेज का डिफरेंस बताएं. एक का फेज 45 है, दूसरे का 40 है, 5 रेडियन. एकदम आसान, बिल्कुल कंसेप्चुअल, कोई ज्यादा इसमें लाग लपेट इधर उधर का नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा. अब फर्दर क्वेश्चन रीड करता है कि जब ये वेव्स सुपर इंपोज होती हैं तो इनकी मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी. ठीक है, जब ये सुपर इंपोज होती हैं तब, तो बेटा हमें पता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी लिखने का सीधा सीधा तरीका होता है ए वन प्लस ए टू द होल स्क्वायर. आप इसे ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, बताइए ए वन क्या है. फोर है, यही चीज तो एम्पलीट्यूड कहलाता है. और ए टू क्या है, ये भी फोर है. बस बात खत्म. तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 4 प्लस 4 द होल स्क्वायर 8 यानी कि 64. और इसी ऑर्डर को कंटिन्यू करें और यहां कैलकुलेशन पूरा करें आई मिनिमम का, और हम जानते हैं आई मिनिमम होगा ए वन माइनस ए टू द होल स्क्वायर. चूंकि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हैं इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम वैल्यू पे जीरो आएगी. क्लियर हो गई बात. यस ओके. आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है. तो क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में साउंड इंटेंसिटी हैज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ आई एट अ पर्टिकुलर पोजीशन. ठीक है, मिनिमम वैल्यू आई है और पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर वो मिनिमम आई है. चलिए कोई बात नहीं, जो दिया है वो मेंशन कर लेते हैं. फिर उसके बाद हमने ट्यूब को पुल किया. ध्यान से समझना, ट्यूब को पुल किया. तो पुल करने के बाद हमने उसे कितना पुल किया, 16.5 मिलीमीटर. इतना सही पुल किया हमने उसे. तो इंटेंसिटी बढ़ के हो गई 9 आए. तो मैक्सिमम हो गई 9 आए. ठीक है, अगर स्पीड ऑफ साउंड v, स्पीड ऑफ साउंड क्वेश्चन के हिसाब से 330 मीटर पर सेकंड है तो वो सबसे पहला सवाल कर रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी बताओ और बाकी का बाद में, फ्रीक्वेंसी बताओ. अब ये क्वेश्चन बड़ा कंसेप्चुअल है. एक काम करते हैं, क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं. मुझे मिनिमम कब मिलेगा बताओ, जब दोनों में पाथ का डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई टू या 3 लैम्डा बाई टू. शाबाश. या 5 लैम्डा बाई टू या 7. ऐसे मतलब 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, ऐसे ही ना. यस. अच्छा आप बताओ मैक्सिमम कब मिलेगा, लैम्डा जीरो पे भी मिलेगा. ठीक है, अगर दोनों लेंथ सेम है जीरो पे भी मिल सकता है, लेकिन लैम्डा से बात करते हैं. लैम्डा, फिर अगला कब, 2 लैम्डा. अगला कब, 3 लैम्डा. फिर अगला कब, 4 लैम्डा. बराबर है. सोचो कि मिनिमम से मैक्सिमम करने के लिए मुझे कितना एक्स्ट्रा पाथ डेवलप करना पड़ता है. 0.5. हाँ बिल्कुल सही, शाबाश. लैम्डा बाई टू. लैम्डा बाई टू बिल्कुल सही बोला तुमने.
लैमड़ा बाई टू से लैमड़ा करूंगा तो मिनिमम से मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे सोचो, 3 बाई टू लैमड़ा यानी कि 1.5 लैमड़ा से 2 लैमड़ा करूंगा 0.5, तो फिर मैं मिनिमम को मैक्सिमम कर दूंगा। यानी कि जब जब मैं मिनिमम को मैक्सिमम करूंगा तब तब मुझे कितना एक्स्ट्रा पाथ लेना पड़ता है, 0.5 लैमड़ा, यानी कि कितना लैमड़ा बाई 2। ये मैं पहले कंफर्म करना चाहता हूं कि आपको ये बात समझी कि नहीं समझी। यस सर। बॉयज पक्का एकदम कंफर्म? जैसे इमेजिन करते हैं 7/2 लैम्डा, क्या मिल रहा होगा, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। अब बताओ 4 लैम्डा क्या मिलेगा? मैक्सिमम। अभी बेटा 7/2 लैम्डा का मतलब क्या होता है? 3.5। जब मैं 3.5 लैम्डा को 4 लैम्डा करूंगा तो मैं मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट करा दूंगा। यानी कि कितने लैम्डा का फर्क मैं करता हूं तो मैं मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट कराता हूं, या मैक्सिमम को मिनिमम में कन्वर्ट कराता हूं? 0.5 लैम्डा, यानी कि आधा लैम्डा, लैम्डा बाई 2। अब ये बात दिमाग में रख करके यहां सोचना कि हमें इंटेंसिटी पहले कैसी मिल रही थी, कैसी? मिनिमम। हमने कितना लेंथ चेंज किया? 16.5। तो मिनिमम किस में कन्वर्ट हो गई? मैक्सिमम। तो क्या इसका सीधा मतलब ये है? समझो बात को। यस। कितना डिस्टेंस, कितनी लेंथ, कितना पाथ मैं चेंज करता हूं तब मैं मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट कराता हूं? लैम्डा बाय 2। और इस बार मैंने यहाँ न्यूमेरिकली उसको कितने पाथ में इस्तेमाल किया? 16.5। इसका सीधा मतलब यही हुआ ना कि लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 16.5। यस। आपकी बात? यस सर। खत्म, न्यूमेरिकल यही खत्म हो गया, कंसेप्ट ही क्लियर करना था। लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 16.5 इन टू, इसको लिखते हैं 10^-3। ठीक है, अब यहां हम हमारी पुरानी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं वेव्स के लिए। ये सब जगह वर्सटाइल है, सब जगह काम में आती है। v इज इक्वल टू l लैम्डा, सभी जगह काम में आती है, याद रखना। तो जरूरत पड़ने पर हम लैम्डा को लिखेंगे v बाई n, बराबर है? अब इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करते हैं, बताइए लैम्डा कितना होगा? 33 इंटू 10^-3। ये 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा ना यहाँ पे। अब लैम्डा हटा के क्या लिखोगी भाई? एन इज इक्वल टू 33 इंटू 10^-3। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? एन इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय 33 इंटू 10^-3। बट v का वैल्यू हमें बताया है 330। 33 इंटू 10^-3 सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा 10,000 हर्ट्ज। 10^-3 ऊपर जाएगा, 33 ये कटेगा, 10 आएगा इसका आंसर। अब इसमें की पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये है कि तुमको ये पकड़ में आना चाहिए, ये पकड़ में आ गया तो बाकी न्यूमेरिकल बन गया तुम्हारा, ये ए पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं बी पार्ट का सॉल्यूशन क्या है। फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स अराइविंग एट द डिटेक्टर अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज मच बिटवीन द मिनिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो हमको एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। अब इसके लिए बेटा हमारे पास ये जो डेटा दिया हुआ है ना, ये सफिशियंट है। मैं अब इसे कुछ इस तरीके से देखूंगा, ध्यान से सुने। आईमैक्स अपॉन आई मीन इज इक्वल टू आर प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 द होल स्क्वायर। बात समझ आई आप सभी को? यस। यस ठीक है,
खत्म करो कहानी, ये हो गया नाइन आई, ये हो गया आई, ये हो गया आर प्लस वन दी होल स्क्वायर, आर माइनस वन दी होल स्क्वायर। यहां से हम देखते हैं कि ये आई आई फैक्टर कैंसल आउट होता है, यू टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ इट, स्क्वायर रूट लेने पर ये हो गया थ्री बाई वन आर प्लस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। इसका सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ दोबारा लिखूं तो ये हो गया थ्री आर माइनस थ्री इज इक्वल टू आर प्लस वन, सॉल्व करने पर ये मिलेगा टू आर इज इक्वल टू फोर, यानी कि आर इज इक्वल टू टू। ये तो अभी अभी करा था हमने। इसका सीधा मतलब हो गया एम्पलीट्यूड रेशियो ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू टू इज टू वन। दैट्स इट, डन, फिनिश, खत्म। ठीक है, अब आज के लिए यहां तक काफी है। अगली क्लास में हम इसके कुछ बहुत बढ़िया और अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चंस टफ होंगे, सुपरपोजिशन के लेवल पर वेव पैटर्न कैसे बनती है उस पर भी बात करेंगे, और इस तरीके के ये जो क्वेश्चन नंबर टू अभी हमने किया, इस तरीके के जनरल प्रॉब्लम्स पर भी हम डिस्कशन करेंगे जिसमें हम सुपरपोजिशन की कंडीशन को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं।